बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे हर बीमारी से, हर परेशानी से, और मेरे घर को भी अल्लाह ताला हर बीमारी हर परेशानी से सब लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आपको गार्लिक सॉस बनाना बता रही हूँ। मायोनीज़ तो मैंने बहुत दफ़ा बना ली है, तो आज गार्लिक सॉस की ज़रूरत पड़ रही है, तो वह मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो मैंने दो अंडे लिए हैं, दो अंडों में एक अंडे में तीन ये गार्लिक क्लोव्स डालते हैं, यानी कि लहसुन के जवे तीन डालते हैं, तो मैंने छः लिए हैं दो अंडों के लिए। तो इसको मैं बारीक ये ऐसे क्रश कर रही हूँ, थोड़ा चॉप, इसको बारीक बारीक चॉप करके फिर मैं डाल दूँगी, क्योंकि पूरा साबुत डालूँगी तो वो चॉप करने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो फ्रेश लहसुन का बनाएं गार्लिक सॉस, बहुत ज़बरदस्त बनता है, मैंने बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ ये मैं, तो इसलिए अब मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर लूँ। घर की चीज़ें खाएँ, बाहर की चीज़ों से अवॉइड करें, मत लेकर आएँ बाहर का गार्लिक, क्योंकि वो केमिकल डाल डाल के लहसुन छीलते हैं। बारीक बारीक चॉप कर लिया इसको, एक पिंच के बराबर ये सॉल्ट, ज़रा सा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, एक पिंच ये डाल दिया। अच्छा, ये दो टेबल स्पून मैंने विनेगर के लिए वाइट सिरके के ये डाल दिया इसमें। दो अंडे की सफ़ेदी लूँगी मैं, ये जर्दी मैंने निकाल दी है, जर्दी निकाल दी, सफ़ेदी सफ़ेदी लूँगी बस मैं, सफ़ेदी डाली है सारी, पूरे अंडे नहीं डाले मैंने इसका कवर। अच्छा, पहले स्लो स्पीड करेंगे, बाद में तेज। तीस सेकंड ये करेंगे और दो मिनट इसको करेंगे बस। ये मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, कितना है ये मेरे पास 240 ml, तो ये मैं स्लो स्लो करके डालूंगी इसके अंदर। फाइनल लुक देखें, इसका लुक देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना चिकना, कितना स्मूथ है। तो हम है ना ज़्यादा नहीं बनाते, इसलिए कि बस हफ्ते 10 दिन में ये ख़त्म हो जाए। फ्रेश फ्रेश बनाते, फ्रेश फ्रेश लोगों को पसंद आती है, मेरे बच्चों को, सबको। तो अभी मैं ये पूरी निकाल के इसमें से दिखा देती हूँ आपको, निकालना मुझे मुश्किल लग रहा है, ये खुलेगा। कितनी ज़बरदस्त बनी है, जैसे बाजार की होती है, सेम वो स्मूथ चिकनी एकदम। तो ये बन चुकी है, अब ये बस ये मेरे 4-5 दिन में ही ख़त्म हो जाएगी मेरे घर में माशाल्लाह। ये तो ये बन गई, अब हम इसको रख रहे हैं। और आप लोग इसी तरीके से ही गार्लिक बनाएं, गार्लिक बहुत टेस्टी भी है और फ़ायदे की भी, क्योंकि इसके अंदर मैंने अंडे की जर्दी नहीं डाली है, खाली सफ़ेद से बनाया है, तो इसलिए बहुत अच्छी है ये, हार्ट वाले पेशेंट्स भी खा सकते हैं ये। तो आप लोग बनाएं और इन्जॉय करें, और अल्लाह हाफिज़।